नहीं मत जाना मत जाना मत जाना बेबी नहीं। ओह शिट ओह शिट। गुस्से वाला कुत्ता नहीं है। मजो 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 बेबी। उसके बेबी वो वैसा है। तो रुको तो सही मेरे को। बूढ़ा है वो। बेबी इस कुत्ते की भी हालत मेरी तरह ही है। इसकी शक्ल पे पहुंच जाओ, इसके अंदर बहुत प्यार है। इसकी और मेरी शक्ल कुछ मिलती जुलती है। शक्ल पे लोग जाते हैं और डर जाते हैं, अंदर बहुत प्यार है इसके भी और मेरे भी। दांत निकालो, नीचे वाले नीचे वाले। जबड़ा आगे करो ना करो ना। एक मिनट, जूते इसमें डालने हैं? उतारो बेबी। सॉक्स पहने रखू क्या? उतार दूं? है? हाँ। तो हम लोगों ने एक गाइड किए हैं जो हमें गाइड करेंगे आसानी से अंदर तक ले जाने के लिए। ओए ओए ओए। बहुत सारे मंकी। नहीं मत जाना मत जाना मत जाना बेबी नहीं। ओह शिट ओह शिट। अरे वो छीना क्या छीना क्या उसे छीन के ले गया। स्वीट वगैरह देखते हैं ना मैडम, वो छीनते हैं। कैमरे के पास आ रहा था वो देखो ले तो गया उसका खाना। खा रहे कुछ नहीं करते। नहीं वो खाने का चीज छीनते हैं। और क्या चाकू थोड़ी मारने पेट पे आके। नहीं काटते ना मैडम, काटते नहीं है ना। आपका नाम क्या बताया भाई साहब? अरे अरे कुछ नहीं, वो छीन के ले गया पूरी टोकरी। हम लोग एंटर कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के मेन द्वार के अंदर, और उसके अंदर कुछ भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम दर्शन करके आएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम लोग अभी अभी दर्शन करके पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर आए हैं। अंदर अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आपको कोई कैमरा ले जाने से रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आपने पिक्चर्स खींच लिया वीडियो बना लिया तो आपका कैमरा जब। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से सही चीज है कि आप कैमरास अंदर यूज ना करें, क्योंकि जो मंदिर था और जो दर्शन हुए हैं हमें और जिस तरह की फीलिंग अंदर थी ना, वो एक्चुअली विदाउट कैमराज होती है। तो रियली सॉरी कि हम लोग आपको नहीं दिखा पाए, बट ये जो जगह है ना वाकई आके देखने वाली है। और यहाँ पे अगर आप आकर खुद से जो फील करेंगे ना, वो हम लोग शायद आपको शब्दों में नहीं समझा पाएंगे। ऐसी कमाल की हिस्ट्री मैंने किसी मंदिर की नहीं सुनी आज तक, और हमने अंदर रुद्राभिषेक भी किया। बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और अगर आप पीछे मंदिर देख रहे हो तो आप लोग जो आप लोगों की मन्नतें हैं, जो आप लोग चाहते हैं, भगवान से मांगना, भोले बाबा से मांगना, जो भी चाहते हैं सच्चे मन से, एक बार आप मांग सकते हैं। ये प्रदीप जी हैं जिन्होंने हमें पूरे मंदिर के दर्शन कराए और पूरी हिस्ट्री बताई, बोलिए। ये वर्ल्ड में फेमस मंदिर पशुपतिनाथ है। ये मंदिर में खाली हिंदू लोग को अलाउड है, और ये बहुत बड़ा मंदिर है। पशुपतिनाथ शिव जी का मंदिर है। ये चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग को मेन माना जाते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पूजा किया, जैसे सर ने पूजा करके आए जो रुद्राक्ष की माला मिले है। और यहाँ पर पूजा 501 से लेकर 25 लाख तक का पूजा होती है मंदिर में। कहते हैं कि आपको अगर आपने बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन नहीं किए हैं, तो अगर आपने यहाँ पे आकर दर्शन कर लिए तो चारों धाम हो गए। चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये प्रदीप जी हैं, पूरा नाम क्या आपका? प्रदीप खड़ी जी हैं। और मैंने इनसे रिस्पॉन्सिबल गाइड आज तक नहीं देखा। ये अंदर गए, अंदर फोन कैमरा अलाउड नहीं है, और ये जितने लोगों को भी देख रहे थे बाकी को, उनको भी रोक रहे थे जा जाके। और इन्होंने मंदिर की पूरी श्रद्धा होने के साथ इन्होंने अपना प्रोफेशनली काम भी किया है। तो अगर आप कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर आए तो प्रदीप जी को आप अपॉइंट करें और इनके साथ मंदिर घूमें, आपको मजा आ जाएगा। अरे तुमने पहन भी लिए जूते? अरे रुद्राक्ष की माला एक और? अच्छा दोनों को मिली है? जब परिक्रमा कर रहे थे ना, हाँ शिवलिंग का उन्होंने दिया। क्या बात है। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम मतलब कट टू कट टाइम पे हम लोग चल रहे हैं। आई होप सब कुछ टाइम पे हो जाए, चेक इन वेक इन सब कुछ। अभी एक और इशू है, जो टिकट है वो अपग्रेड करनी है। मेरी ऑलरेडी है बिजनेस और अविनाश की अपग्रेड करनी है। आई डोंट नो सीट मिलती है कि नहीं मिलती, क्या होता है, लेट्स सी। वो एयरपोर्ट जाके पता करेंगे, वरना मेरे को बहुत बुरा लगेगा अगर अविनाश और मैं साथ में नहीं बैठे तो। हम लोग गाड़ी से सामान निकाल के खड़े हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि थोड़ी सी ट्रॉली की शॉर्टेज है काठमांडू एयरपोर्ट पे। तो हमारे जो ड्राइवर हैं वो ढूंढ रहे हैं ट्रॉली इधर उधर, किसी की ट्रॉली चुराई जा सके, मारी जा सके, तो अपने काम आ जाए। अंदर अब कॉफी मिल जाएगी? वो वाली कॉफी मिलेगी? कॉफी तो मिलेगी आपको, वो वाली बीच वाली, वो देखिए तूने अपनी आंखों से। अरे मिल जाएगी। क्या वो नहीं मिली? नहीं मिली। रीड का के ले जाए? अब हम तीनों को एक एक बैग उठाना पड़ेगा। हाँ तो उठा लेते, उसमें क्या है, हमारे भगवान ने हमें दो मजबूत हाथ दिए, पैर दिए हैं। नहीं हम दोनों का तो ठीक है, तीसरे आदमी पर भरोसा नहीं मुझे, राधे माँ का विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ मैं बस। ओके भैया थैंक यू। चला 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 चला, क्योंकि अविनाश दोनों बैग्स पकड़े हुए हैं, तो मैं कैमरा ऑपरेट करूँगी।
ये मत सोचना मैंने बैग नहीं पकड़ा हुआ, इसलिए नहीं पकड़ा हुआ क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। क्या करें? आईडी पासपोर्ट। हमारा सबका बिजनेस है, मेरा तो बिजनेस था ही। मुझे डर यदि ये था कि अविनाश का हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। इसका हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, तीनों की बिजनेस। थैंक यू, बाय बाय। बेबी एयरपोर्ट पे सब देख रहे हैं। बेबी मेरा बेबी मेरे साथ बैठेगा ना, मुझे ये खुशी है। राघव भी साथ में हो गया। हाउ कम हमें पता ही नहीं था हमारा बिजनेस है। इनका ऑलरेडी बिजनेस क्लास था बुक और हमें नहीं पता था। मुझे ये था कि मेरा तो बिजनेस है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, अब अविनाश का कराना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब निकली सीट्स तो मालूम पड़ा कि अविनाश का ऑलरेडी बिजनेस क्लास था। 12 ही सीट्स हैं बिजनेस क्लास की, उन्होंने कहा सब फुल है और उस फुल में आपके पति देव भी है। बेबी मेरे साथ बैठे आप, मेरे साथ मेरे को बहुत दुख होता बेबी अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो। तुम्हें पता है ना ये बात? बिल्कुल पता है। चलो तो हम सबका इमिग्रेशन क्रॉस हो चुका है, कोई भी क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ, सारे निकल गए। जा रहे हैं लाउंज के अंदर। चाय आ रही है और खाना खाने का पहले ही क्या हो चुका है आपको मैं दिखा देता हूँ। एक ग्रीन टी लाया? नहीं नहीं, मैं अभी डालूंगी। मेरा मूड ही खराब हो गया। We are on the flight now and about to take off. बीच में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत सारा सामान था हाथ में और हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी। अभी हम लोगों ने अपना जूस पी लिया, अविनाश को पता नहीं चला, मैं उसका भी पी गई थी जूस। दिल कर रहा है और मंगा लूँ कैंडी कोक चेरी, तो मिलने का टाइम आ गया है। देवी और सचिनो नमस्कार। जेट एयरवेज की उड़ान, जेट प्रीवियस मेंबर्स और जेट एयरवेज ग्लोबल लिंक मेंबर्स के अतिथियों का स्वागत है। अभी क्या ले रही हो? अभी मैं ले रहा हूँ ऑरेंज जूस। और खाने के लिए? खाने के लिए I'm having this पनीर टिक्का काली मिर्च। अभी मैंने जो ऑर्डर किया ना, मैंने वही तुमने ऑर्डर किया, कुछ और नहीं कर सकते थे? मैं अगर यही बात कहूँ तो पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। ओके हुआ। अरे बेबी दो दो लगा के सामरी लग रही है। वो बंद दरवाजा में भूत था ना जो सामरी सामरी। कहाँ? परफ्यूम, मैंने बोला था ना लूंगी। अब थक गए यार, घर चलते हैं। अब मेरे को तंग मत करना, मैं सब घुसन मार सकती हूँ। यस मैम, कैन आई हेल्प यू? यह फ्लैट 25% ऑफ है। या शो मी। सब पे ऑफ है, सिर्फ शनेल पे नहीं है। दो वो है, ऑब्सेस भी शायद है मेरे पास। ये न्यू है, ये कलेक्टर है, लिमिटेड एडिशन है। ये कोई भी दिखा दो। नहीं ये वाला नहीं है, इसमें एक वो आता है ना ब्लैक बॉटल। ब्लैक बॉटल नहीं, वो नहीं है। So I bought these three perfumes. एक दो तीन, इसके साथ ये भी फ्री मिला है, दे दो। जाते जाते भी I'm buying coffee. फ्लाइट में कॉफी पिया नहीं हमने, तो हम दोनों एक ही कॉफी शेयर करेंगे। क्यों अविनाश? एक ही कॉफी शेयर कर रहे हैं हम। तुमने कहा था ना एक ही कॉफी शेयर करेंगे। मैंने कब कहा था? दो ले रहे हैं। चलो एक ही शेयर करते हैं। एक ही शेयर करते हैं, मैंने मीडियम लिया। वो बन रही है कॉफी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत करना, मैं नहीं पी पाऊंगा फिर। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो। क्या कराने जा रही हो? कॉफी शॉट बनवाने जा रही हूं थोड़ा सा। तो उससे तो स्ट्रॉन्ग ही होगी ना? ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कराऊंगा। देखो तुमको ठीक लग रही है कैसे? बहुत लग रही है ना, बोल ही रही हूँ मैं तुम्हें। या मुझे तुम्हारे साथ रह रहे के स्ट्रॉन्ग की आदत पड़ गई है। आई
ऑल राइट, तो हम लोग अब अपनी कैब का वेट कर रहे हैं और कैब आने में अभी 15 मिनट लगेंगे, तो हम लोग मीनवाइल अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं दोनों मिलके। मैं एक्टिव ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस का मैं जवाब दूँ, स्पेशली जो कि रेलिवेंट है, मतलब इरेलीवेंट बातों का मैं हाय हेलो का क्या जवाब दूँ, वो तो ठीक है मैं एक स्माइली के साथ दे ही सकती हूँ, लेकिन किसी के भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो अपना दिल से कुछ कहना चाहता है, कोई ज़रूरी बात मुझ तक पहुँचाना चाहता है, कैन गेट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल जवाब कुछ भी ऐसी कोई ज़रूरी बात है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन संभावना सीट ऑफिशियल। आपको एक वो ब्लू टिक मार्क वाला वेरीफाइड साइन मिल जाएगा, सो दैट यू नो कि ये मेरा ओरिजिनल आईडी है। सो विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग, और जाने से पहले आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा ये नेपाल का ब्लॉग, जो कि बहुत ही छोटा सा ट्रिप था, काम का ट्रिप था, ज़्यादा हम लोग घूम नहीं पाए, बट जो भी हम लोग कर पाए, लेकिन हमने कोशिश की बहुत मस्ती करने की और मस्ती को कैप्चर करने की। तो आई होप आप लोगों को ये नेपाल का ब्लॉग सीरीज पसंद आए, और जाने से पहले मैं आपको वही सारी बातें बता देती हूँ, कॉमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट।